फ्रेंड्स वेलकम बैक। कई बार हम लोगों को ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जैसे तुम ही वहाँ जा सकते हो, या इसे हम एक तरीके से और भी बोल सकते हैं जैसे केवल तुम ही वहाँ जा सकते हो। अगला है मैं ही इसे कर सकता हूँ, या इसे हम लोग बोल सकते हैं केवल मैं ही इसे कर सकता हूँ। सचिन ही जीत सकता है, या इसे बोल सकते हैं केवल सचिन ही जीत सकता है। सीता ही यह खोल सकती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें? इस प्रकार के सेंटेंस को हम तब बोलते हैं जब हमें को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहता है या काम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तब इस प्रकार के सेंटेंस को हमें बोलना होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में एकदम डिटेल से सीखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इट्स ओनली। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे डॉट 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 मतलब हमें यहाँ पे वो सब्जेक्ट राइट कर देना है। फिर लिखना है हु कैन। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बात की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें लिखना है इट्स ओनली। फिर उसके बाद हमें राइट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना हु कैन। फिर उसके बाद जो भी वर्ब रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे और हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस दिया हुआ है तुम ही वहाँ जा सकते हो, या से ऐसे भी बोल सकते हैं केवल तुम ही वहाँ जा सकते हो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना है इट्स ओनली। यहाँ पर देखिए तुम ही, तो तुम हम लिखेंगे यू। फिर हमें लिखना है हु, फिर उसके बाद कैन और बर्थ की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जाना है तो हम लिखेंगे गो। फिर उसके बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा उसको लिखेंगे तो गेयर। तो देखिए तुम ही वहाँ जा सकते हो या केवल तुम ही वहाँ जा सकते हो, तो इन दोनों को इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ओनली यू हु कैन गो देयर। अगला सेंटेंस है मैं ही इसे कर सकता हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ओनली। यहाँ पे फिर हमें जो डॉट 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 दिया वो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट राइट करना। तो मैं यहाँ पे जब कोई हमें पॉजिटिव केस में लिखना है तो इट्स ओनली मी, मैं ही। फिर इसे कर सकता हूँ तो हु कैन डू दिस। देखिए मैं ही इसे कर सकता हूँ या केवल मैं ही इसे कर सकता हूँ, इन दोनों को इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ओनली मी हु कैन डू दिस। अगला सेंटेंस है सचिन ही जीत सकता है, तो हम बोलेंगे इट्स ओनली सचिन। यहाँ पे सचिन है तो सचिन हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद लिखना है हमें हु, तो हम लिख लिए हु। फिर उसके बाद कैन भी लगा दिए। फिर उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी है, तो जीतना है तो यहाँ पे लिखेंगे बीन, तो हम लिखेंगे बीन। तो देखिए सचिन ही जीत सकता है या केवल सचिन ही जीत सकता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ओनली सचिन हु कैन बीन। लास्ट वाला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है सीता ही खोल सकती है या केवल सीता ही खोल सकती है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ओनली सीता। यहाँ पे सीता है तो सीता हम लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखना है हु, तो हम लिखते हैं हु। फिर उसके बाद हमें लगाना है कैन, तो हम लगा दिए कैन। फिर उसके बाद जो भी वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे खोलना है तो ओपन दिस। तो देखिए सीता ही खोल सकती है या इसे केवल सीता ही खोल सकती है, तो इसे इंग्लिश में लेंगे इट्स ओनली सीता हु कैन ओपन दिस। तो देखिए कितने आसानी तरीके से हम लोग सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर चुके हैं, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए